बचाएगा वो दुश्मनों से लड़ेगा जो हाथों में इसके वो ताकत है जीते हमेशा जो भी मुश्किल हो वो 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 चाबी से बदलता है वो 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 अंधेरों से निकलता है पर कहीं जो मिले चलो दोस्तों वेलकम टू द बॉडियोनिक और आज जो हम दोबारा आ चुके हैं एक और साइमन का बिल्कुल नया वीडियो देखने को अब तो आम सी बात है। सो वीडियो का टाइटल है मोस्ट वीएफएक्स एवर लीरा द सोलमेट मूवी रिव्यू। सो बेसिकली आई एम रिएक्टिंग और रिव्यूइंग अ वीडियो इन विच साइमन इज रिव्यूइंग अ मूवी एंड दैट्स हाउ माफिया वर्क्स। नॉर्मली इस तरह की वीडियोज जो है मैंने प्यूडीफाई और कैरी को करते देखा जहाँ पे रिव्यू के साथ साथ थोड़ा सा रैंट थोड़ी सी बेइज्जती भी होती है मूवीज़ की और वीएफएक्स की या जो भी सीन वगैरह होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। पर आई डोंट नो, मैंने शायद साइमन को कभी इस तरह के वीडियोस करते नहीं देखा है या फिर हो सकता है कि पास्ट में कभी जब मैं साइमन को नहीं देखता हूँ तब इस तरह का कोई वीडियो किया हो। सो आई एम रियली काइंड ऑफ एक्साइटेड टू सी कि किस तरीके से होगा ये वीडियो, क्योंकि साइमन का एक अपना अलग स्टाइल भी है नॉर्मली वीडियोज़ एग्जीक्यूट करने का। लेट्स सी, तो बाकी की बातें जो है वो वीडियो के बाद या वीडियो के दौरान करेंगे। आप लोगों को मालूम ही क्या चलता है यहाँ पर रूल रेगुलेशन। सो मोस्ट वीएफएक्स एवर लीरा द सोलमेट मूवी रिव्यू फ्रॉम साइमन से शुरू करते हैं। अब इसी तरह का इंट्रो हो गया साइमन का ना, कैसे डार्क या क्या जो भी लेकिन एज इंडियन ऑडियंस हमारा ही कट रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग दिस मास्टरपीस ऑफ अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। लीरा द सोलमेट इज अ 2018 बॉलीवुड साइफाई फिल्म। इट्स अ लव स्टोरी बेस्ड इन स्पेस। दिस मूवी वाज मार्केटेड एज बॉलीवुड्स फर्स्ट 99% वीएफएक्स फिल्म। आप खुद ही देख लीजिए 99% का प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी जो पिक्चर का टीजर आप लोगों ने देखा, गाना जो सुना, ये मेरी आने वाली बहुचर्चित फिल्म लीरा द सोलमेट है। बहुचर्चित फिल्म का मैंने इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया कि ये फिल्म पहली बार 99% वीएफएक्स में, 99% वीएफएक्स है। This film has 99% VFX movie channel, and just like how Dettol kills 99% germs, this film will kill 99% of your brain cells. And coronavirus. Complex movie, okay? तो इसका trailer देखने के पहले let's try to understand the concept of this movie. ये space की love story है। पूरा का पूरा picture एक space में, मतलब जिस galaxy में हम लोग रहते हैं उसको Milky Galaxy कहते हैं। जिस galaxy में हम लोग रहते हैं उसको Milky Galaxy बोलते हैं। दूधिया। जिस galaxy में हम लोग रहते हैं उसको Milky Galaxy। हीरोइन जो है लीरा, उसी के नाम की प्लेनेट है एक लीरा। okay. ये कहानी उसी जगह की है। okay, वहाँ okay. पर एक लड़का मिलता है जो उस प्लेनेट का है और वो इसको साबित करता है कि हम तुम्हारे सोलमेट। तो इस फिल्म में लीरा नाम की एक एस्ट्रोनॉट है जो इस फिल्म की मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो दूसरे गैलेक्सी में जाकर लीरा नाम के एक प्लेनेट पर पहुंचती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, और उस प्लेनेट पर उसको अपना सोलमेट मिलता है, हेंस द नेम ऑफ द मूवी लीरा द सोलमेट। सब बेसिकली मुझे लग रहा है ये सस्पेंस आखिर में खुलता होगा शायद कि वो उसी प्लैनेट की है ना। देयर वर अ लॉट ऑफ रूमर्स दैट दिस इज अ ट्रू स्टोरी, लेकिन इन रूमर्स को इस फिल्म के डायरेक्टर ने एड्रेस ट्रू स्टोरी। क्या ये ट्रू स्टोरी है? ये ट्रू स्टोरी कैसे हो सकता है? हाँ भाई, ये काल्पनिक है, कारण कही तो एक एलियन की कहानी की तरह। इस फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम लीरा है और उसको प्ले करने वाली एक्ट्रेस का नाम लीरा कालजाय है। आई गेस शी वाज मेड फॉर द रोल। लीरा कालजाय के डैड ने इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। इसकी स्क्रिप्ट इसकी मां ने लिखी है। नाउ दैट इज द रियल प्लॉट ऑफ दिस मूवी। ये जो इसमें एक हीरोइन के जो एफर्ट इसमें डाला हुआ है मेरे मॉम के थ्रू जो राइटर है। ये नेपोटिज्म नहीं है, ओके? दिस इज मोर लाइक अ जॉइंट फैमिली वेंचर। या इन फैक्ट दिस फिल्म इज अ टाइट स्लैप टू नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। फिल्म मैं बहुत ही खुशी से बना रहा हूँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मजबूरी से बना रहा हूँ। खुशी इसलिए कि फिल्म बना रहा हूँ, बेटी को लॉन्च कर रहा हूँ,
मजबूरी इसलिए है कि बॉलीवुड में किसी न्यू कमर को चांस नहीं मिलता। मतलब है कि बॉलीवुड एक बिजनेस है, पैसा लगाइए स्टार बनिए, पैसा लगाइए पैसा कमाइए। ओके दैट्स इट, बहुत बिल्डअप हो गया। प्रिपेयर योर एनस फॉर द ट्रेलर ऑफ दिस इंटरस्टेलर लव स्टोरी लीरा द सोलमेट। कल जाए। यस यस yes. Kaljai movies का movie my favorite movie studio क्या template use किया है, wow. Boys after installing Adobe After Effects, VFX is my passion. इस 99% VFX की quality देखकर तो आपको थोड़ा excitement आ रहा है मेरे को यार। Hollywood में edit किया गया है। ये जो फिल्म है वो बहुत ही emotion, इसका जो post production है Hollywood में होने वाला है। इसका editing Hollywood में हुआ है, okay? और मैंने PewDiePie के साथ कोलैब किया है। ओके या तुम कौन हो? मेरा नाम लीरा है और मैं अर्थ से आई हूं। वाओ, व्हाट एन आइकॉनिक डायलॉग। मेरा नाम लीरा है और मैं अर्थ से आई हूं। माय नेम इज जोवानी जॉर्जो, एवरीबॉडी कॉल्स मी जॉर्जो। हॉलीवुड्स फर्स्ट फुल VFX मूवी। इस प्लेनेट के लोग अपने संस्कार भूल चुके हैं। अपनी सभ्यता की ऊंचाइयों को पार करके तुम लोग एक जंगली सभ्यता में जा रहे हो। चली जाओ यहाँ। एक मिनट, इज दिस मूवी स्पॉन्सर्ड बाय बजरंग दल? इस प्लेनेट के लोग अपने संस्कार भूल चुके हैं क्या? पर इसको कैसे मालूम, ये तो अर्थ से आई है, ये सिखाएगी इनको यहाँ पे संस्कार, या अर्थ के और लीरा के संस्कार एक ही है? Why are we still here? संस्कार है ये? शी, दिस इज द फ्यूचर लिबरल्स वॉन्ट। लड़का लड़की दूसरे प्लैनेट के पार्क में भी साथ में नहीं बैठ सकता। लगता है ये स्टोरी कुछ बिलियन ईयर्स के बाद जब एंड्रोमेडा और मिल्की गैलेक्सी का कोलिजन होने वाला है ना, तभी का स्टोरी है। अखंड मिल्की गैलेक्सी। प्लैनेट के लोग अपने संस्कार भूल चुके हैं। बिल्कुल। अपनी सभ्यता की ऊंचाइयों को पार करके तुम लोग एक जंगली सभ्यता में जा रहे हो। चली जाओ यहाँ से। यस दैट्स राइट। यस यस ये चाहिए। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये चाहिए। यहाँ के लोगों को सुधारना मेरे बस का काम नहीं है। तो क्यों जाना घर अपने? वो काम इतना आसान नहीं है। हाँ लेकिन ये चाहते क्या है अर्थ से? एक पेट जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप जो चाहते हैं वो काम इतना आसान नहीं है। ये माँ बाप भी हैं इस पिक्चर में। उसमें यहाँ के लोगों की लीरा को हेल्प चाहिए। सोलमेट कैन क्रॉस एनी क्या? सोलमेट कैन क्रॉस एनी गैलेक्सी? ये तो इंटरस्टेलर का प्लॉट है। शर्म आनी चाहिए नोलैन को। नोलैन ने इसी मूवी से कॉपी किया, आपको पता है? ओरिजिनल इज ऑलवेज बेटर। हां हो सकता है कि ये इस मूवी का स्कोर इंटरस्टेलर से ज्यादा है। यस वी डू लिव इन अ सोसाइटी वेयर लीरा द सोलमेट हैज अ बेटर आईएमडीबी रेटिंग देन इंटरस्टेलर। बट ये भी तो देखो ना, वो तो देख ही 650 लोगों ने है। सिर्फ तुम ही हो हॉट, बाकी सब है कोल्ड कोल्ड। सिर्फ तुम ही हो। और ये डायलॉग स्क्रिप्ट इनकी माताजी ने लिखी है। When I go to fuck a dead body in a morgue, but then it turns out to be alive. सिर्फ तुम ही हो हॉट, बाकी सब है कोल्ड कोल्ड। अभी किधर गए संस्कार? Yes. Me when a girl watches my Instagram story in the first 2 minutes of posting it. This is actually a very progressive movie if you go to see, because इसमें एक female lead है, एक forced romantic love interest है, लेकिन वो male है और उसके साथ एक male item number भी है। ये aerobics क्यों कर रहा है? Also, as you can see, this movie is all about smashing Bollywood stereotypes. Yeah. Male item number चल रहा है और लड़की लड़के को ताड़ रही है. This is real progress. मैं लीरा का साथ हमेशा दूंगा और इस मिशन को पूरा करूंगा और इस मिशन को पूरा करूंगा. Now I don't know इस हीरो का मिशन क्या है, लेकिन अगर इसका मिशन ह्यूमैनिटी को सेव करना वगैरह ऐसे कुछ है, तो I think he's successful, क्योंकि लोगों ने अभी तक ये मूवी देखी नहीं है. Innocent love story in space. मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे मूवी देखने का मन हो रहा है। I'm not even kidding, I really. अरे ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये विलेन है? ये बिगाड़ रही है यहाँ की जनता को, बिगाड़ रही है ये काली काली कपड़े वाली। है, Atlanteans है।
ये बॉयज वर्सेस गर्ल्स हो रहा है। ओह 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 कहां से निकल रहा है ये सर? ये मूवी पक्का रोस्टर्स को कंटेंट देने के लिए बनाया था। यस क्या पागल हो रखी है औरत, अपने से लेजर निकाल रही है। आई ट्राइड। ऐसे ऐसे बहुत सारे रोस्टर्स हैं। ओ भाई ओ भाई ओ स्पॉइलर दिखा दिया उन्होंने। लीना मर गई थी क्या? मैंने नहीं देखा। आई डोंट नो। आई हेट इट व्हेन ट्रेलर्स रुइन द मूवी। ये स्पॉइलर दिखाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। ओ ओ भाई ओ ओ अच्छा तो की कच्ची थी। ओए Leela the Soulmate is a movie truly ahead of its time. Winner. As Indian audiences, we have failed to recognize this masterpiece when it released in 2018. Yeah. Ashamed of myself कि मैंने movie theater में नहीं देखा। मैं इस movie का Blu-ray collector's edition steelbook लेने के लिए भी तैयार हूँ। I want to watch this movie. मुझे भी देखने का मन है। This movie legally, okay? Yeah. Because I really want to contribute to its box office collection. इस movie के गाने और उनके lyrics कुछ अलग ही level पे हैं। Villain भी नाच रही है। के जेनेरिक यूट्यूबर कमेंट्री। मुझे इस लेवल का कॉन्फिडेंस मेरे लाइफ में चाहिए। गॉड की भेंट हो मेरे लिए सेट हो। गॉड की गुलजार मस्ट बी रोलिंग इन हिज ग्रेव। ओह सॉरी। कैन समबडी प्लीज मेक श्योर दैट गुलजार नेवर सीज दिस। You must protect him at all cost, okay? He cannot see this. Leela Kaljai ने एक इंटरव्यू में बोला कि इस मूवी के सीक्वल भी होने वाले थे। या दो प्रोजेक्ट और हैं। इसका एक सीक्वल है और एक मूवी और आ रही है। लेकिन फर्स्ट पार्ट को निकले 3 साल हो गए एंड देयर इज नो अनाउंसमेंट ऑफ द सीक्वल। रिस्टोर द कालजाईवर्स। ही बॉलीवुड की फर्स्ट 99% VFX मूवी है और वर्ल्ड की फर्स्ट इनोसेंट लव स्टोरी है जो स्पेस में फिल्माई गई है। ये मूवी स्पेस में फिल्माई गई है। इनोसेंट लव स्टोरी है जो स्पेस में फिल्माई गई है। ओ क्रिस्टोफर नोलन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत करता है ना। ये ले स्पेस में ही फिल्म किया है। और आपको शायद पता नहीं होगा ये मूवी बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड भी है। ऐसे ही उसको IMDb पे 8.9 का रेटिंग नहीं मिला है। देखिए उसके लिए तो मेरा आप WhatsApp देख लीजिए, काफी अच्छे रिस्पांस है। WhatsApp बोला ना रिव्यूज बहुत अच्छे हैं इस फिल्म के। आप प्रोड्यूसर के फोन का WhatsApp चेक कर सकते हो। उसके लिए तो मेरा आप WhatsApp देख लीजिए, कितने जगह मुझे मैसेज मिला है WhatsApp पर और Facebook से कि पिक्चर आने के पहले लोग इसे कंपेरिजन कर रहे हैं कि बाहुबली भी 70% VFX था, तो आपकी मूवी लीला द सोलमेट भी बाहुबली को कम्पीट कर सकती है। और ऐसा मीडिया रिपोर्ट भी है और कुछ मैगजीन में ऐसा छपा भी है, कुछ लीडिंग पेपर है उसमें छपा भी है। अगर इंडियन ऑडियंस में थोड़ी सी भी सेंस होती तो दिस फिल्म वुड हैव ओवरटेकन बाहुबली। प्रोड्यूसर के व्हाट्सएप पर उनके दोस्तों को ये फिल्म पसंद आई तो ऑडियंस को कैसे नहीं पसंद आ सकती है फिल्म। इंडियन ऑडियंस से मेरा विश्वास ही उठ गया है। Apart from the complex plot, इस मूवी का ऑडिशन प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। स्क्रिप्ट की डिमांड थी कुछ ऐसी और मैं रियल में भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ज़बान को टच करते हैं अपने नोज से, तो मेरी ज़बान काफ़ी लंबी थी। अरे यार ये क्यों है यार ये सीन, ये आजकल कुछ नया निकला है क्या टैलेंट कुछ ये सब क्या क्या है ये, मतलब ऑडिशंस में से तुम्हारे लिए तो ऑडिशन हुए ही नहीं होंगे। कोई स्टार भी ऐसे ही चाहिए था जो ये कर सके। ओह 9000 लोगों का ऑडिशन हुआ ऑल ओवर इंडिया। 9000 लोगों का ऑडिशन हुआ ऑल ओवर इंडिया के लिए। क्या पटेली मारते हैं यार ये लोग। And if you ever feel useless in life, remember that there is a male lead in this movie. और इस male lead के struggle की कहानी सुनकर मुझे कोरोना आ गया। बेसिकली मैं थिएटर एक्टर हूँ तो मेरे लिए पूरा का पूरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। थिएटर एक्टर बोल दिया ना यहाँ पे दर्द हुआ। छोटे छोटे काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो जो जो एक्सपीरियंस मैंने अपने इन 4-5 सालों की जर्नी में लिया है आई यूज़ एवरीथिंग। मैं अंधेरी लोखंड वाला के चौल में रहता हूँ। अंधेरी लोखंड वाला के चौल में रहने वाला स्ट्रगलर। बस माई हार्ट कैन ओनली टेक दिस मच। मैं अंधेरी लोखंड वाला के चौल में रहता हूँ, अब नहीं रहता हूँ, अब छोड़ दिया है। अरे 2 साल पहले की बात है। मैं अब नहीं रहता जैसे मतलब? कि सारे स्ट्रगलर्स होते हैं वापस दे सिंपति सब। और मैंने देखा कि मेरे घर के पास ऑडिशन हो रही है। घर के पास ही हो रही थी चौल में। ऑडिशन क्लोज हो चुकी थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की सर प्लीज एक बार देख लो।
तो सर ने मुझे नेक्स्ट डे घर पे मना कर दिया, फिर से ऑडिशन दिया गया। ऐसा करते करते एटलीस्ट 8 महीना ऑडिशन चला और उसके बाद 8 महीने ऑडिशन, फाइनली सर ने मुझे कॉल किया। इमेजिन इतने स्ट्रगल के बाद आपको ये रोल मिलता है। 8 महीने ऑडिशन, ऑडिशन लगातार एक ही बंदे का 8 महीने चलता रहा या वैसे 8 महीने चला? मैंने फिल्म नहीं देखी है। I don't want to judge a book by its cover. मेरे को ये फिल्म लीगली देखना है, ओके? I want to give this film a chance क्योंकि इंडिया में इतने पैशनेट फिल्म मेकर्स देखने मिलते हैं कि जब दर्शक आएंगे तो फिल्म स्टार्ट हो गए तो उनको समझ में आएगा कि स्टार्ट हो रहा है, अंत कैसे होगा उनको पता ही नहीं चलेगा। इस मूवी के प्रोड्यूसर ने जितना इस मूवी को हाइप किया है वो देखकर तो कुछ इंडियन यूट्यूबर्स जो अपने नेक्स्ट वीडियो का हाइप करते हैं वो लोग भी शर्मा जाएंगे। तो मेरी फिल्म में इतनी सारी नई नई चीजें हैं, हर चीज नया है। आज तक इस तरह की लव स्टोरी कभी भी बॉलीवुड में जहाँ तक मैं जानती हूँ तो शो नहीं किया। दिस फिल्म इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फेक इट टिल यू मेक इट, बट दे मेड इट एंड वी आर नॉट एबल टू सी इट। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन ये फिल्म ऑनलाइन लीगली देखने का ऑप्शन मुझे कहीं पे नहीं मिला। फॉर लीरा द सोलमेट, Netflix, Amazon, Hotstar, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये दिखा सकते हैं, ये तो बात नहीं है। That's it. Thank you for watching pretentious movie trailers review. मैंने कहीं जो last scene जो मैंने comments में पढ़ा इस video में कुछ last scene में। I wish I was talented enough to be a part of this movie. यार ये सीन बहुत बढ़िया। सिर्फ तुम ही हो हॉट, बाकी सब है। Yes, Daddy. तुम्हें तो मेरे soulmate हो, तुम्हें तो मेरे soulmate हो। This is actually Leela the soulmate extended version, extended cut या फिर वो director's cut, कालजाई cut. So video end होती है और वो last का scene बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। And comments में बहुत लोगों ने last के scene के बारे में बहुत तारीफें लिखी हुई थी, तो मैंने कहा यार मुझे देखना है last के scene में क्या होता है। So this was the video, Simon का reaction या review movie के ऊपर लीला द सोलमेट, जो कि बहुत ही महंगी मूवी है। वीडियो वॉज वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया थी। बहुत टाइम बाद साइमन का एक वीडियो, बहुत फनी भी था, सब कुछ था, बहुत अच्छा था वीडियो, बहुत अच्छा था। मुझे जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि प्यूडीपाई और कैरी वगैरह को करते हुए देखा है मैंने ऐसी तरह की वीडियोज़, तो प्यूडीपाई का एक जो वीडियो है जो आई थिंक मूवी रिव्यूज़ में सबसे फेमस शायद द रूम वाला ही है मेरे हिसाब से, टॉमी वाइज़ो। सो वो वीडियो मुझे बहुत पसंद था। ये वीडियो उसी तरीके का था ऑब्वियसली, जैसे कि मैं कह रहा था पहले ही, जिसमें रैंट स्लैश रिव्यू, लाइक बोलते हैं कि रिव्यू है बट बेसिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए। मुझे याद है जैसे कि जब प्यूडीपाई वाला जो रूम वाला वीडियो था उसके बाद मेरे को रूम देखने का भी बड़ा मन था, हालांकि मैं देख नहीं पाया, बट ये मूवी देखने का भी मेरा मन है इस टाइम। लाइक यू नो इसमें थोड़ा सा एनीमे काइंड ऑफ फील है। I'm sorry anime fans, I'm really sorry, but ये बहुत अच्छा anime बन सकता है, you know? मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा anime बन सकता है, outer space love story। बाकी मैं ये कहूँगा कि यार ये जो चीज़ें हैं ना ये बाहर भी बहुत होती हैं, अपने यहाँ भी बहुत होती हैं, और शायद ये एक मूवी है। हमारे यहाँ पता नहीं कितनी मूवीज इस तरह की बनती हैं, घर के प्रोडक्शन वाली, घर की ही कास्टिंग, घर का ही प्रोड्यूसर, घर का ही डायरेक्टर, घर का ही राइटर, ये होता है ये सब। ये मतलब ऐसा ही नहीं कि हम बाहर वालों की ही बात करें कि बाहर ऐसी फिल्में बनती हैं, यहाँ पे भी बहुत बतेरी फिल्में बनती हैं। आजकल यूट्यूब रिएक्शन पे कुछ इसी तरीके की वाहियात सी मूवीज़ आ रही हैं, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं तो। सो इन कंक्लूजन, लास्ट कुछ दो वीडियोज़ से मैं साइमन की वीडियोज़ के बारे में कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि यू नो उतनी फनी नहीं है और एवरेज ओके है वीडियो, बट दिस वीडियो इज रियली रियली फनी। और मुझे दिल से लग रहा था कि 2-3 वीडियोस हो गई एवरेज सी, तो अब शायद जो वीडियो होगी साइमन की वो फनी होगी, बहुत अच्छी वीडियो होगी। सो हियर इट इज, एंड आई होप आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
सो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना और हैशटैग लगा सकते हो लीरा द सोलमेट, हैशटैग जस्टिस फॉर लीरा, हैशटैग 99% VFX not 100%, हैशटैग जो मर्जी तुम्हें लगाना लगा लो ठीक है।